वचन के पहले तनिक मेनोरहा को जानिए, मेनोरहा की ज्योति को अपने घर में जगाएं। यह प्रकाश का वरदान है, शांति और समृद्धि के प्रतीक भी है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले सकते हैं। धन्यवाद। हे प्रिय मित्रों, आज हम ऐसा रहस्य को उजागर करेंगे जो हम सब जानते हैं, पर उसमें छुपी हुई आज्ञा को अनदेखी कर देते, जो है भजन संहिता 1। ये हमें चीख चीख कर गहाई देते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती, जो उन्नति को रोक देता है। इसलिए परमेश्वर हमें दो मार्ग चुनने को देता है, परमेश्वर या शैतान। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है, हम किसे चुने। भजन संहिता 1 कहते हैं, सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। सच, आज हमारे चारों ओर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। वे हमें लालच, हिंसा या अनैतिकता का रास्ता दिखा सकते हैं। इन लोगों की सलाह से बचना और अपने परमेश्वर की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। उद्धरण स्वरूप शॉल को शरण करें। परमेश्वर शॉल सामर्थ और समृद्धि से भर दिया था, पर उसके दुष्टता के कारण सब कुछ छीन लिया था। आज मैं दिन के शुरुआत करने के लिए 1-2 से 3 मिनट की छोटी सी महिमा भरी प्रार्थना करूंगी, जिसे आप अपने अनुसार अदल बदल कर सकते हैं, पर जरूर करें ताकि आपके दिन परमेश्वर की अगुआ में हो। और हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आज के दिन के सुखों, चुनौतियों और घटनाओं से निकलने के लिए मुझे शक्ति और साहस प्रदान करें। मैं अपने जीवन और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके बिना आज मैं अधूरा होती। आप मेरी सब कुछ हो। मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम में मैं आपसे अपने जीवन के लिए शक्ति मांगती हूँ। मुझे आपके अलौकिक बल की आवश्यकता है ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ती रहूं। पिता, मुझ पर अपना आनंद बरसाएं ताकि मैं कह सकूं, प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। पिता, आप हमेशा की तरह मुझ पर और मेरे परिवार पर प्यार करने के लिए धन्यवाद। हमें बचाने और आपके वचन के अनुसार हमें सुरक्षित रखने के लिए भी आपका धन्यवाद। मैं यह पूरा दिन आपको समर्पित करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है कि आपने मुझे अपने हाथों में संभाला हुआ है। मेरी ये प्रार्थना अनुग्रह के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे है। आमीन।